Hey guys, welcome back to my channel. This is Shiny और आज मैं शेयर करने वाली हूँ What I Wore in Sikkim. फेस्टिवल सारे खत्म हो चुके हैं, नाउ इट्स टाइम टू गो ऑन अ वेकेशन, राइट? तो पहाड़ जाने का सोच रहे हो, देन दिस वीडियो वुड बी मच हेल्पफुल. और साथ ही प्लान है सिक्किम घूमने का, तब तो और भी बढ़िया है, क्योंकि सिक्किम कैसे पहुंचना है, कहाँ रुकना है, प्लेसेस टू विजिट, क्या क्या ट्राई करना है, फूड्स एंड ऑल, एंड स्पेशली कब क्या पहनना है, यानी आउटफिट्स टू वेयर इन सिक्किम. वैसे तो ठंड आ ही चुकी है, सो द वेदर विल बी प्रीटी मच कोल्ड, तो उस हिसाब से पैकिंग करनी है. और पैकिंग के टाइम ये ख्याल रहे पूरा वार्डरोब कैरी नहीं करना है. यस, क्योंकि हम लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है, घूम के चले आते हैं फिर भी बैग में दो तीन एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़ा रह ही जाता है जो हम कैरी करते हैं ये सोच के अगर लग जाए तो. बट बिलीव मी, वैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि यू मेक योर बैग हेवियर ओनली. तो पहले से ही दिन के हिसाब से ऐसे कब क्या पहनोगे वो डिसाइड कर लो. और फैक्ट की बात बोलूँ, हमारी दुनिया नाउ अ डेज डिफरेंट सोशल मीडिया की इर्द गिर्द घूमती रहती है टू सम एक्सटेंट. लाइक कुछ भी हो जाए, फोटोज अच्छी आनी चाहिए. सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई टिप्स थ्रू आउट द कमिंग एलैबोरेट वीडियो की आउटफिट कैसे स्टाइल करनी है टू वेयर ऑन अ माउंटेन वैकेशन. ओके, जैसे रिसेंटली आई वेंट टू लद्दाख, तो उसकी भी आउटफिट डिटेल्स मैंने ऑलरेडी चैनल में शेयर कर रखी है. चाहो तो ऊपर की आई बटन पर क्लिक करके अभी के अभी देख सकते हो. या तो रिलीजियस प्लेसेस लाइक बनारस जाओगे तो क्या पहनोगे, सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे. तो आप चाहो तो मेरे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो और ट्रैवल लुकबुक वाली प्लेलिस्ट भी देख सकते हो टू गेट सम क्लियर आइडियाज़. और तो और ट्रैवल लुकबुक प्लेलिस्ट पे सिक्किम ट्रैवल की और एक वीडियो भी आप देख सकते हो, जहां मैंने नाथुला, लाचुंग, छांगो लेक, बाबा मंदिर, जीरो पॉइंट, यामथांग वैली सारे कवर अप करे हैं, द एंटायर ईस्ट एंड नॉर्थ सिक्किम एज वेल, ताकि आपको और दूसरी कोई भी वीडियो देखना ना पड़े. सो शेयर दिस वीडियो ऑन व्हाट्सएप विद योर फ्रेंड्स जिनके साथ आप सिक्किम ट्रिप का प्लान कर रहे हो. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड साइड की जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे चैनल में आने वाली हर एक फ्यूचर पोस्ट की नोटिफिकेशंस आप तक बराबर पहुंचती रहे. तो आइए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं. टू रीच सिक्किम फर्स्ट यू नीड टू रीच टू सिलीगुड़ी, विच इज द एंट्री पॉइंट टू रीच द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री. प्लेन से सफर करोगे, देन द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज बागडोगरा एयरपोर्ट, एंड वाया ट्रेन आओगे, देन आना होगा न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन यानी NJP. NJP से सिक्किम जाने वाली बहुत से शेयर टैक्सी मिल जाती है, या फिर आप खुद का टैक्सी भी बुक कर सकते हो, खासकर गैंगटॉक तक. तो ड्राइवर से बात कर लेना उस अकॉर्डिंग, एंड बस सर्विस लेते हो तो और भी चीप ट्रैवल कर सकते हो. देन आपको आना है तेनजिंग नोरगे बस टर्मिनस. ओके, एंड हमने ट्रैवल एजेंसी से ही गाड़ी ली थी, सो NJP के बाहर ही हमारी कार रुकी हुई थी. तो हमने सुबह सुबह 7:30 बजे स्टार्ट करा फॉर पेलिंग. पेलिंग इज सिचुएटेड इन वेस्ट सिक्किम, सो हम पहले जा रहे हैं पेलिंग. डिस्टेंस इज 134 किलोमीटर्स फ्रॉम सिलीगुड़ी. तो पहाड़ के रास्तों में इट टुक ऑलमोस्ट 5 आवर्स. सिलीगुड़ी से सिक्किम तक आपको सफ़र करना है रोड से ही, और दोनों साइड पे ये जो ग्रीनरी है वो आपके मन जीत लेगी. एंड और एक बात, बंगाल से निकलने के टाइम एंड बॉर्डर क्रॉस करने से पहले शेबॉक में एक बड़ी सी ब्रिज आपको दिख जाएगी ओवर द रिवर तीस्ता. आप चाहो तो वहाँ पे थोड़ी देर रुक भी सकते हो, व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. विच वॉज बिल्ट इन द ब्रिटिश इरा, द ब्रिज बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको, वो आपकी राइट हैंड साइड पर पड़ेगी. तो थोड़ी देर सफ़र करने के बाद फिर हम रुके थोड़ा फ्रेशन अप होने एंड ब्रेकफास्ट करने के लिए एट अ रोड साइड कैफे कम रेस्टोरेंट. यस, द नेम इज़ अभिनव रेस्टोरेंट, एंड सिक्किम जाते टाइम ये आपके राइट हैंड साइड पे पड़ेगी. हमने मंगवाया आलू के पराठे और साथ में था तंदूरी रोटी और सब्जी. टेस्ट वॉज गुड, प्लेस वॉज डिसेंट, टाइडी. एंड आप चाहो तो रास्ते के लिए कैंडी, सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर चीज़ वगैरह यहाँ से ले सकते हो, बहुत ही अच्छी है. नाउ लुक, दिस इज द ब्रिज दैट विल लीड अस टू वेस्ट सिक्किम यानी पेलिंग तक. और सीधा अगर निकल जाते हो तो पहुँचोगे गैंगटॉक. ओके, सामने आप देख पा रहे हो टनल्स जो पहाड़ काट के बनाया जा रहा है, ताकि इंडियन रेलवेज की पटरी यहाँ पे बीत सके और हमारा जो सफ़र है सिलीगुड़ी से सिक्किम तक ये ब्रिज बन जाए. तो देखते हैं ये कितने दिनों में ये कंप्लीट होती है.
भाई साहब 5 घंटे का सफर है और बीच में चाय ब्रेक तो बनती ही है, तो आइए थोड़ा सा चाय पी लेते हैं और सराउंडिंग्स को भी देख लेते हैं। सो दिस इज़ माई फर्स्ट आउटफिट, बहुत ही कैजुअल सा, ब्लैक जॉगर्स, स्केचर्स, अ कम्फी वाइट टी, दैट्स इट। ट्रेन में मैं यही पहन के आई थी एंड अब देखो पहाड़ों में आओगे तो इवन अ चाय ब्रेक लुक्स दैट पिक्चर्स क्यू, है ना। सो हमने जहाँ पे चाय पिया वो ज़्यादा दूर नहीं है पेलिंग से, वी आर अबाउट टू रीच टू पेलिंग। कहीं कहीं रोड कंडीशन आपको थोड़ा सा ख़राब मिलेगा लैंडस्लाइड्स की वजह से, ये तो नॉर्मली है पहाड़ों में, तो आपको ये करना पड़ सकता है गाड़ी से उतर के फिर पैदल यहाँ पे पार करना हो सकता है, विच इज़ अ नॉर्मल थिंग हेयर। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं पेलिंग। तो करीबन 12:30 बजे तक हम पहुंच गए थे पेलिंग। तो अब सुनो, पेलिंग पे आपको होटल लेना है नियर द पुलिस चेक पोस्ट, जहां आई लव पेलिंग का बोर्ड लगा हुआ है, बेसिकली अपर पेलिंग में। अपर पेलिंग से सुबह कांचनजंगा का व्यू बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिखता है। और हम रुके थे होटल फामरोंग रिट्रीट, वी टुक अ व्यू रूम, लेट मी शो यू। सो वी विल बी स्टेइंग हियर फॉर नेक्स्ट 2 डेज, द व्यू वुड बी दिस। अब तो क्लाउड्स है बट सुबह दिखेगी कांचनजंगा, सो लेट्स सी हाउ द वेदर रिमेन्स। पेलिंग इज रियली अ स्मॉल टाउन, जैसे लाचुंग मैंने दिखाया था अपने दूसरे वीडियो में। अरे वो वीडियो आपने मिस कर दी, वेल सिक्किम के दूसरे वीडियो में मैंने लाचुंग से जुड़े हर एक डिटेल शेयर करी है, चाहो तो आप ऊपर के आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देख लेना, क्योंकि लाचुंग के साथ साथ व्हाट आई वोर इन रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सिक्किम वो भी मैंने शेयर करी है, तो मिस नहीं करना है। तो ऊपर के आई बटन पे क्लिक करके अभी के अभी देख लो। अभी तो लंच करना है तो हमने लोकल कुछ कैफ़े एंड रेस्टोरेंट्स वगैरह यहाँ पे एक्सप्लोर करा। अपर पेलिंग में कुछ चुनिंदा रेस्टोरेंट्स ही आपको मिलेंगे, बट आई मस्ट से एवरी अदर रेस्टोरेंट्स आर सो वेल डेकोरेटेड कि आपको एम्बियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। फाइनली हमें मिल गया जो हम खाना चाहते थे एंड यहाँ के एम्बियंस भी बहुत ही अच्छी है। एंड आप सोच रहे होंगे इतने ठंड में मैं ऐसे टीज पहन के क्यों बैठी हूँ, वेल ठंड तो लगी रही थी बट पहाड़ के ऊपर सनलाइट वॉज ब्राइट। बट हाँ, एक और टिप्स है, ऑलवेज यूज योर सनस्क्रीन, पता नहीं चलता लेकिन हिल स्टेशन पे भी बीचेस के जैसा ही गंदा टैन पड़ता है, ओके। सो सनस्क्रीन ज़रूर कैरी करिएगा। एंड फॉर द लंच वी आर हैविंग पॉर्क थाली एंड द चिकन थाली। सो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और आप ऐसे कुछ हटके ट्राई करना चाहते हो, देन आई वुड सजेस्ट ये वाला पॉर्क थाली ज़रूर ट्राई करिएगा, यू वोंट रिपेंट। डे 1 के लिए हमने बस चिल करा, हमें रेस्ट लेना था क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था। एंड कल सुबह से स्टार्ट होगी साइट सीइंग। एंड येस, इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम इन पेलिंग यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस होटल, विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट होटल्स इन पेलिंग। एंड द फूड क्वालिटी आई मस्ट से इज़ रियली वेरी गुड। डिनर एंड ब्रेकफास्ट हमने होटल से ही ली थी। लेकिन भाई साहब, ये वाला होटल लेने का मकसद यही था कि कल हमें जो व्यू चाहिए कांचनजंगा का वो प्रॉपरली दिखे। सो लेट्स सी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पेलिंग। OMG, चेक दिस आउट, द क्लियर व्यू ऑफ कांचनजंगा, द 3rd highest पीक इन द वर्ल्ड। फिर सनराइज के बाद हम थोड़ा सा रेडी होके वॉक पे निकल गए। सोचो हम सिटीज में ये सारे फूल्स लिटरली खर्च करके लेके आते हैं घर, और यहाँ एवी रास्ते के साइड इधर उधर खिलते हुए दिखे। एंड हियर इज अ जंगल के फूल, काफ़ी क्यूट है ना। फिर वहाँ से आने के बाद वी वेंट टू द होटल रूफ टॉप एंड सुबह के अभी 9 बज रहे हैं, द व्यू इज स्टिल अमेजिंग विद द स्नो केप माउंटेन द माइटी कंचनजंगा। For morning, I wore these black tights, this floral skirt, a tee, and layered it with a puff jacket. Photo ke liye I have unzipped the jacket, but believe me, it was really very cold in the morning. But the view just took my breath away.
इतने तक ब्रेकफास्ट भी आ गई थी हमारे रूम में, आलू के पराठे, पिकल, सैंडविचेस, वो भी विंडो के सामने ऐसे व्यू देखते देखते। देखो क्लाउड्स भी आने लग गए हैं और देखते ही देखते 10 बजे तक द व्यू गॉट कवर्ड विद द क्लाउड्स। चलो अच्छा ही हुआ, नहीं तो उठने का मन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि तैयार भी तो होना है फॉर द साइट सीइंग। First spot is River Orange Garden. Ticket is ₹30 per person. It has Rongkup River camping site as well. साथ ही wine tasting भी होती है, so let's go. All the oranges are green now, but the number of the oranges filled me with an wow. फिर आपको local berries, other nutrients like seeds, dry fruits सब मिलेंगे सस्ते में। As I said, wine tasting and wine भी आप यहाँ पे खरीद सकते हो। Fruit wine like grape की wine तो आपने try कराई है, but यहाँ orange wine आपको मिलती है। साथ ही many more other rare flower wine like rhododendron, then ginger wine, brown apple wine, cardamom wine and many more. I have tasted some of this. Sweet. Second, we reach to Khejurperi Lake. खेचुपेरी लेक जाते टाइम बाय और आपको एक पॉन्ड दिखेगी, जहां आप चाहो तो बाहर से चारा खरीद के ये मछलियों को खिला सकते हो। एंड येस, ऑल ऑफ दीज आर फिश। देख सकते हो कितने तादाद पे है यहाँ पे। फिर 7 to 8 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे आप पहुँचोगे बाय द बैंक्स ऑफ द फेमस खेचुपेरी लेक। लोकल्स ये लेक को बहुत ही पवित्र मानते हैं, विच आर द शेप ऑफ अ ह्यूमन लेक। कहा जाता है दिस इज द फुटप्रिंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा। For today, I owe this distressed denim with a royal blue sweatshirt, a pair of black sneakers, a black cat's eye goggles, and that's it. And I believe they look really vibrant and went really well. This place has a really very peaceful ambience and यहाँ पे insects या फिर birds के अलावा और कुछ भी आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगा। और lake के पास ही है यहाँ पे 2 monastery, छोटे छोटे monastery है लेकिन बहुत ही picturesque है यहाँ की view and ये एकदम Instagram worthy place है। एंड हाँ, इंस्टाग्राम से याद आया, आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अब खेचुपेरी लेक नीचे से इसकी शेप प्रॉपर तो नहीं दिखेगी फॉर द ऑब्वियस रीजन, इतनी बड़ी सी लेक जो है, तो हम निकल पड़े ट्रैक पे ऊपर व्यू पॉइंट से देखने के लिए। फाइनली हम पहुंचे सुवाच देश। इसे विश फुलफिलिंग लेक भी कहा जाता है और एक ताज्जुब की बात यही है, इतना ग्रीनरी रहने के बावजूद आप एक भी पत्ता नहीं देखोगे पानी के ऊपर। एंड कहा जाता है एज सून एज द लीव्स फॉल डाउन ऑन द वाटर, दीज आर क्लीन बाय द बर्ड्स। सो खेचुपेरी लेक से लौटते वक्त ऑन आर लेफ्ट हैंड वी वेंट टू द मॉनेस्ट्री। बहुत ही बड़ी एंड ब्यूटीफुल सा मॉनेस्ट्री है जैसे कि आप देख ही सकते हो, एंड हैज़ ऑल्सो अ पिक्चर परफेक्ट बैकग्राउंड। मैंने तो बहुत से यहाँ पे शॉर्ट्स बनाया, फिर रील्स भी बनाया, फोटोज़ खींचा, क्योंकि फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अपडेट जो देना है। और हाँ, जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, आप चाहो तो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी हूँ। फिर यहाँ पे सालों से रहती आई मैडम से हमने मॉनेस्ट्री के बारे में जानकारी ली, जो मैं अपने ब्लॉग चैनल में डालने वाली हूँ। आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ मैं सिर्फ ब्लॉग डालती हूँ। एंड नाउ वी आर एट कांचनजंगा वाटरफॉल। This mighty waterfall is believed to have originated high up in the ice glaciers of this majestic mountain Kanchenjunga, जो हमने सुबह पेलिंग से देखी थी, giving it a perennial flow throughout the year, यानी साल के हर मौसम में आपको ऐसे ही water flow दिखने को मिलेंगे। and parking से around 100 steps चल के आपको ऊपर उठना होगा to get this wonderful view.
और जैसे कि आपने देखा, मैंने ऑलरेडी लेयरिंग कर ली है विद अ वाइट जैकेट, क्योंकि मौसम बिगड़ने लगी है एंड द वेदर क्लाउडी है, तो ठंड बढ़ गई है। तो माउंटेन वैकेशन में जाके अगर सारा दिन आप साइट सीइंग में निकलने वाले हो, देन एक काम करना, डोंट फॉरगेट टू टेक अ शॉल और अ जैकेट फॉर एक्स्ट्रा, या फिर टोपी भी ले सकते हो टू कीप योरसेल्फ वार्म व्हेन इट्स नीडेड। So next we reach to the famous skywalk that is located at a height of 7,200 feet above the sea level, and this is the India's first ever glass skywalk. And along with the skywalk, this park has the famous Chenrezig statue, which is the fourth tallest Buddha statue in Sikkim. And with the skywalk, this statue is the major tourist attractions in Peling. But the weather बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, and कुछ देर के बाद तो बारिश भी start हो गई थी। बारिश रुकने तक वी वेटेड, देन हम चल पड़े जन्नत के रास्ते। सी लग रही है ना पूरी की पूरी जन्नत। सो जन्नत की ये सफ़र पूरी करने के लिए आपकी जो एंट्री फी लगने वाली है वो है 100 rupees पर पर्सन। एंड यहाँ पे जो सीढ़ियाँ है, लिटरली बहुत सारे सीढ़ियाँ है, करीबन 200 तक, जो चढ़ के आपको आना पड़ेगा मॉनेस्ट्री तक। एंड मॉनेस्ट्री के अंदर व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, पेंटिंग्स वगैरह बहुत ही सुंदर है, आपको आना ही पड़ेगा। एंड दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस व्हाइल इन पेलिंग। एंड यहाँ से निकलने के बाद आपको मैं दिखाने वाली हूँ ये जो स्टैचू है जो बादलों में घुसा हुआ है, आई मीन बेयर आई से भी ये एकदम ही इनविजिबल है, तो मोबाइल कैमरा में तो और भी कैप्चर नहीं हो पाया। स्काई वर्क पे वेदर अच्छा रहता तो बहुत ही बढ़िया रहता, क्योंकि फ़ोटोज़ वगैरह अच्छे आते और हम भी अच्छे से स्टैचू को देख पाते, लेकिन जो है सो है। सो डे वन ट्रिप इज़ ओवर, नाउ बैक इन पेलिंग, और पुलिस चेक पोस्ट के पास एक छोटी सी चाय की टपरी आपको दी जाएगी, जहाँ पर चाय पी के हमने थोड़ा सा खुद को गर्म कर लिया, क्योंकि हम बारिश में भीगे तो थे और ठंड भी बहुत पड़ गई है। तो तब तक मिलते हैं कल, सी यू टुमारो, अब तक के लिए सायोनारा। फाइनली इट्स अ ब्राइट एंड ब्यूटीफुल डे, मतलब कल सुबह भी ब्राइट एंड ब्यूटीफुल ही थी, होप आगे चल के हमें ऐसे ही ब्राइट एंड ब्यूटीफुल डे ही मिले। और हम पहुंच गए हैं फेमस चारधाम ऑफ नमची, जो स्थित है सोलोफॉक हिल के ऊपर। और आप जो देख रहे हो, दिस इज द स्मॉल रेप्लिका ऑफ दिस चारधाम, तो आइए अंदर चलते हैं। आप चाहो तो पूजा वगैरह के सामान भी यहाँ से ले सकते हो, शूज वगैरह आपको यहाँ पे बाहर उतर के काउंटर पे जमा करने हैं। देन द टिकट फी इज 100 rupees पर पर्सन, कार पार्किंग की भी सुविधा है। एंड यू आर वॉचिंग द चारधाम, यानी कहा जाता है 4 abodes ऑफ द हिंदू गॉड्स। द होल प्लेस इज वेरी नीट एंड क्लीन एंड टाइडी एंड वेरी वेरी वेल मेंटेन्ड। 108 feet टॉल शिवा स्टैचू के साथ साथ यहाँ पे है चारधाम और है 12 small temples रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ द ज्योतिर्लिंगस। आप चाहो तो यहाँ पे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ पूरे दिन बिता सकते हो, दिस हैज़ अ ह्यूज एरिया, बाहर कैंटीन भी है। एंड इफ़ यू हैव अ डे एक्स्ट्रा, देन इट्स अ नाइस प्लेस टू कम फॉर। गैंगटॉक से ऑलमोस्ट 4 hours की ड्राइव लेके आप यहाँ पे पहुँच सकते हो, या फिर SSRTC यानी सिक्किम की जो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस है, दीज आर ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम द मेजर सिटीज ऑफ सिक्किम टू रीच टू नामची। मेरा बस चलता तो मैं यहीं पे रह जाती, बट द टाइम इज लिमिटेड, क्योंकि हमें पहुंचना है राभांगला, अनदर पिक्चरस्क्यू प्लेस। अरे अपने तो असली अट्रैक्शन देख ही नहीं है, वो रही, इजंट इट जस्ट ग्रेट। दूर से ये दिखने में एकदम पोस्टकार्ड जैसे लग रही है, नहीं सच्चा कोलोसल स्टैचू। So this is the Rabhangla Buddha Park, also known as Tathagat Shal, situated in South Sikkim. Let me add, it has an enormous area. Parking से अंदर statue तक आपको चल के जाना है, बहुत सी सीढ़ियाँ मिलेंगे।
एंट्री फीस इज 100 rupees पर पर्सन एज इन नामची चारधाम देयर वॉज फैसिलिटीज टू राइड ऑन अ गोल्फ कार विद सर्टेन चार्जेस बट एजेड लोगों के लिए थोड़ा बहुत परेशानी हो ही सकती है इतना दूर यहाँ पे चल के आने में. So for today, I wore this black denim, brown leather boots, a tangerine sweater, a black cap and these shades. Namchi Chardham gayi thi, that's why I wrapped a skirt around the waist. Kyunki hamare mandir mein meko ethnic pehenna hi zyada pasand hai. But jaisa desh, waisa hi vesh. To thodi bahut idhar udhar to hogi hi, to sab chalta hai. And let me add, most of the tourist vehicles avoid this place. But I would suggest you to visit this place. Matlab ladke bhi aana hai. नहीं तो इतना सुंदर जगह मिस कर दोगे वो भी इतनी दूर सिक्किम तक आके, है ना. नॉट डन, टोटली नॉट डन. एंड हमारे ड्राइवर भी सुबह से बहुत ही ज़्यादा टेंट्रम्स झा रहे थे पर वी कन्विंस्ड हिम, जैसी भी हो भैया हमें तो जाना ही है, इट्स ओनली 20 kilometers अवे फ्रॉम नामची. तो आज की कौन सी आउटफिट आपको ज़्यादा पसंद आई है वो मुझे ज़रूर कमेंट्स पे लिख के बताना. एंड कुछ भी आउटफिट की बाइंग डिटेल्स चाहिए है तो कमेंट्स पे वो भी मेंशन कर देना तो मैं अवेलेबल प्रोडक्ट की बाइंग डिटेल्स शेयर कर दूँगी. सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल बनी है क्योंकि क्या पहनना है से लेके कहाँ कहाँ जाना है, टिकट्स वगैरह, देन फूड्स टू ट्राई, सारा कुछ मैंने शेयर करा है. एंड इसके अलावा सिक्किम ट्रैवल से रिलेटेड और कोई भी जानकारी के लिए आप कमेंट्स पे ज़रूर पूछ सकते हो. और जैसे मैंने बताया चैनल पे जाके ट्रैवल लुक बुक प्ले लिस्ट पर आप सिक्किम ट्रैवल की और एक वीडियो भी देख सकते हो जहाँ मैंने नाथुला, लाचुंग, छांगू लेक, बाबा मंदिर, जीरो पॉइंट, यमथंग वैली सारे कवर अप करे हैं द इंटायर ईस्ट एंड नॉर्थ सिक्किम, ताकि आपको दूसरी और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े. सो शेयर दिस वीडियो ऑन व्हाट्सएप विद योर फ्रेंड्स जिनके साथ आप सिक्किम ट्रिप का प्लान कर रहे हो. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड साइड के बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे चैनल में आने वाली हर एक फ्यूचर वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक बराबर मिलती रहे. सो सी यू ऑन द नेक्स्ट डे, टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.